हेलो एवरीवन। तो ये बहुत ही अच्छा डाउट वाणी सग्गर ने भेजा है। रामज्ञा स्कूल नोएडा क्लास 8 की स्टूडेंट है वाणी। और अगर आप भी इंडिया के किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप भी अपने डाउट, ये जो नंबर मैंने दिया है 8307814114, ये बेस इंस्टीट्यूट रोहतक का नंबर है। आप भी अपने डाउट इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको आपके वीडियोस बना के दिए जाएंगे। तो आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये ओलंपियाड लेवल पे भी आ सकता है, इनके स्कूल की बुक्स में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले आप खुद कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूं। बेसिक ये है, अगर मैं कहूं कि मैंने एक लॉन में घास लगानी थी, ठीक है, एक पार्क में घास लगानी थी, और मेरा टोटल जो कॉस्ट आया वो 1000 रुपीज आया। ओके, एक लोन में मैंने घास लगानी थी, मेरा टोटल कॉस्ट 1000 रुपीज आया, मेरी जेब से 1000 रुपए खर्च हुआ। और घास लगाने का जो खर्चा है, ग्रास लगाने का जो कॉस्ट है, ठीक है, ग्रास जो लगानी है उसकी जो कॉस्ट है पर मीटर स्क्वेयर कुछ दे रखी होगी, वो कॉस्ट दे रखी है आपको ₹25। मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे अगर आप घास लगाते हो तो आपके 25 रुपए खर्च हो जाते हैं। तो आप बता सकते हो कि उस लॉन का एरिया कितना है, फिर आपके माइंड में क्या आएगा, सर 1000 रुपीज तो टोटल खर्च हो रहे हैं हमारे, ठीक है, जितने भी मीटर स्क्वायर एरिया है उस लॉन का, उस पार्क का, 1000 रुपीज तो टोटल खर्च हो रहे हैं, और पर मीटर स्क्वायर पे कितना खर्च हो रहा है, अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया की बात करूं तो 25 रुपए खर्च हो रहा है सर। तो उस लॉन का या उस पार्क का जो एरिया होगा 1000 बाय 25 कितना आएगा बेटा, 40। 25 फोर्स ऑफ 100 होता है ना, तो ये 1 0 और भी आएगी, 40 मीटर स्क्वायर उस लॉन या उस पार्क का एरिया। अब उस 40 मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, उस पार्क की डायमेंशंस भी निकाली जा सकती है, कुछ केसेस पॉसिबल हो सकते हैं ना। इस 40 के आप फैक्टर्स देखो तो आप कहोगे सर 8 × 5 भी पॉसिबल है, तो एक डायमेंशन 8 मीटर हो सकती है और दूसरी 5 मीटर लेंथ और ब्रेड्थ। यानी कि इस 40 मीटर स्क्वायर के फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टराइज करना है इसको। कोई बच्चा कहता है सर 20 × 2 वो भी ठीक है ना, कोई बच्चा कहता है 40 × 1, इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स पॉसिबल है। अगर इंटीजर्स की बात करी है, डायमेंशंस की तो लिमिटेड ही होंगी कुछ वैल्यूज, लेकिन अगर डेसिमल में भी पॉसिबल है तो बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है इस फैक्टर्स की, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक। अब यही क्वेश्चन अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की फॉर्म में आ जाए, जैसे ये क्वेश्चन, उसने ₹1000 ना दे के कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दी कि इतना खर्चा हुआ और कॉस्ट भी दे दी ₹5 पर स्क्वायर मीटर, नीचे वाला एक इंटीजर है, हाँ कॉस्ट जो है वो इंटीजर की फॉर्म में, इस टोटल कोर्स को इस 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक तरह से 8th क्लास का एक टॉपिक है, क्या है, डिवीजन ऑफ ए पॉलीनोमियल बाय मोनोमियल, क्योंकि 5 एक सिंगल टर्म है, मोनोमियल। तो कैसे करते हैं, आइए उसको भी सीखते हैं। तो जब जब हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं, जैसे अगर मैं कहूं 45 को 5 से डिवाइड करना है, तो आप क्या कहोगे, सर 9 आएगा, बिल्कुल सही बताया आपने। क्या मैं 45 को दो पार्ट्स में डिवाइड करके, यानी कि 40 + 5 डिवाइडेड बाय 5 कर दूं, और फिर मैं डिवाइड करूं अलग अलग, यानी कि अब मैं 40 के नीचे भी 5 ले जाऊं और 5 के नीचे भी 5 ले जाऊं, तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन तो सेम ही आएगा ना। आप चेक करके देख लो, 40 बाय 5 कितना हुआ बेटा, 8 हुआ, 5 बाय 5 कितना हुआ, 1 हुआ, 8 + 1 अभी भी कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं 32 + 4 डिवाइडेड बाय 4 है, ठीक है, अब आपके पास डिवाइड करने के दो तरीके हैं, या तो इन दोनों को आप अलग से ऐड कर लो, ये 36 आएगा डिवाइडेड बाय 4, ये 9 आएगा, ठीक है। एक बच्चा कहता है नहीं सर मैं ऐसे डिवाइड करूंगा, 32 को अलग से 4 से डिवाइड करूंगा और इस 4 को भी अलग से 4 से डिवाइड करूंगा, तो 8 + 1 सर तब भी 9 ही आ रहा है। यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं एक टर्म को भी आप, ठीक है। आइए, ये अब हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या है ये हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, 10x² + 35x
प्लस 30, ठीक है, ये टोटल कॉस्ट है। अगर मैं इसको टोटल कॉस्ट को पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट से डिवाइड कर दूं, आइए अगर मैंने इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास उस लॉन का एरिया आ जाएगा। यस करो, एरिया ऑफ लॉन, एरिया ऑफ लॉन कितना आया अगर मैं इसको डिवाइड करूं, तो मैं अलग अलग को भी डिवाइड कर सकता हूं ना, अलग अलग टर्म को। अभी तो बताया मैंने 10x² / 5 कर दो आप, प्लस 35x / 5 कर दो, यस, प्लस 30/5 कर दो, तो फाइनली ये क्या रह गया, 5 × 2 = 10 होता ना, तो ये वाली टर्म 2x² रह गई 5 से डिवाइड करने के बाद, ये 7x रह गई और ये 6 रह गई। बेटा ये क्या आया आपके पास, एरिया तो आ गया उस लॉन का, ठीक है, एक आंसर हो गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लॉन, दिस इज द आंसर। एरिया ऑफ द लॉन के लिए बेटा आंसर क्या है, 2x² + 7x + 6। अब हमें इसकी डायमेंशंस बतानी, अब रब कर दूं मैं, अब आपको समझ आ गया ये, अब मैं सिर्फ एरिया लिखूंगा यहाँ पे, बाकी सब रब कर रहा हूं, अगर आपने कुछ देखना हो तो आप इसको रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। 2x² + 7x + 6 ये याद रखना, एरिया ऑफ लॉन कितना है, 2x² + 7x + 6, दिस इज द एरिया ऑफ दिस लॉन, ओके, ठीक है। अब ये कैसा लॉन है बेटा, रेक्टेंगुलर लॉन है। आइए मैं आपको एक रेक्टेंगल भी बना के दिखा देता हूं, दिस इज द रेक्टेंगल, और इसको मैं नाम भी दे देता हूं, जैसे आप कहते हो तो ए बी सी डी, ठीक है, ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर लॉन है, और इस रेक्टेंगुलर लॉन का एरिया बताओ कितना है, दिस। अगर ये एरिया किसी नंबर की फॉर्म में होता, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया, जैसे 40, तो इसकी डायमेंशंस क्या होती है, अगर इंटीग्रल डायमेंशंस की बात करो तो केसेस बन जाते हैं हमारे, सर आप कहते सर एक डायमेंशन 8 हो सकती है, और एक क्या हो सकती है, ए बी 8 हो सकता है, बी सी 5 हो सकता है ना, एक 22 भी हो सकता है, एक 10 4 भी हो सकता है, ऐसे कुछ अगर इंटीग्रल वैल्यूज ही कह रखी है, डेसिमल वैल्यूज नहीं कह रखी, तो लिमिटेड केसेस बन जाएंगे आप, और अगर डेसिमल भी कह रखी है तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे आपके, है ना। लेकिन यहाँ पे एरिया एक नंबर की फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे एरिया एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर मैंने आपको क्लासेस में भी बताया, जो 8th क्लास के बच्चे हमारे पास अलग अलग शहरों से पढ़ रहे हैं, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, कैथल, रोहतक, है ना, तो ये अलग अलग शहरों से जो हमारे पास पढ़ रहे हैं बच्चे, रेवाड़ी से भी पढ़ रहे हैं, यस, तो उनमें मैंने उनको ये बताया, अगर वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यस, मैक्सिमम पावर 2 है, और इसमें 3 टर्म्स भी आपको नजर आ रही हैं, तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट से भी आप इसके फैक्टर्स बना सकते हो, तो जब आप इसके फैक्टर्स मिडिल टर्म स्प्लिट से बनाते हो, तो मैंने क्लासेस में बताया है, आप फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हो, यस, तो फर्स्ट और लास्ट को जो मल्टीप्लाई करके आया 6 × 2x² वो आया 12x². अब मिडिल टर्म को, मिडिल टर्म कौन सी है बेटा, जो x वाली टर्म है 7x है, इसको ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि सम तो 7x ही आए और प्रोडक्ट क्या है 12x², तो आप जल्दी से बताइए मैंने इसकी प्रैक्टिस कितनी सारी करवाई है आपसे, तो 2x², तो इसके फैक्टर्स क्या है, इसको मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूं बोलो, तो इसको आप स्प्लिट करोगे 4x + 3x + 6। अब जल्दी से बताइए क्या 4x + 3x में स्प्लिट करना सही है, यस, क्योंकि सम तो 7x ही रखना है, और जब आप प्रोडक्ट करोगे 4x × 3x करोगे तो 12x² आ रहा है, जो कि फर्स्ट और लास्ट का भी वही प्रोडक्ट। अब ये करने के बाद फिर आप ग्रुपिंग करोगे ऐसे 2-2 टर्म्स की, ये लो ग्रुपिंग करी, ये लो ग्रुपिंग करी, अब फिर आप कॉमन निकालोगे, इस 2x² और 4x में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 4 में से तो आपको 2 दिखाई दे रहा है कॉमन, x² और x में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको x, तो अंदर क्या बचेगा, अगर 2x² में से 2x कॉमन आ गया तो अंदर तो x बचेगा, प्लस यहां क्या बचेगा बताइए, यस 2 बचेगा। अभी तो अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो रिवर्स मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, तो ये 2x² + 4x ही आएगा, तो ये बच गया। अब यहां पे बेटा 3x और 6 में से क्या कॉमन आएगा जल्दी बताओ, 3 कॉमन आएगा, शाबाश, और अंदर क्या रह जाएगा, x + 2। अब ये ध्यान से देखिए, ये 2x डॉट लगा देता हूं, × x + 2 है, और ये 3 × x + 2 है, अब क्या कॉमन आ सकता है आप बताइए, मैंने कई बार क्लासेस में बताया, आप ये x + 2 कॉमन आ रहा है, जो कि दोनों टर्म्स में, ये दो टर्म है ना, एक प्लस है तो ये दो टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन वैल्यू नजर आ रही है, x + 2 वाली ब्रैकेट कॉमन नजर आ रही है,
इस ब्रैकेट को बाहर ले लिया, x प्लस टू वाली टर्म में जो ये फैक्टर है इसको मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या रह गया 2x प्लस 3। तो ये जो एरिया था इसको मैंने फैक्टराइज किया, तो जो डायमेंशन बनी x प्लस टू इंटू टू एक्स प्लस थ्री, यानी कि वन ऑफ द डायमेंशन विल बी x प्लस टू, इट कैन बी लेंथ और ब्रेड, एंड अदर डायमेंशन विल बी 2x प्लस थ्री। ठीक है, अब वो तो x की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि x तो एक वेरिएबल है, वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू, कि इस लॉन की डायमेंशंस क्या होंगी एक्चुअल नंबर्स की फॉर्म में। ये तो मैंने एक्सप्रेशन की फॉर्म में बताई है, x प्लस टू इज वन ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड 2x प्लस थ्री इज वन ऑफ द अदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो x प्लस टू को फर्दर फैक्टराइज भी नहीं किया जा सकता, ये इरिड्यूसिबल है, मैंने ये भी बताया आपको, 2x प्लस थ्री को भी फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, ये इरिड्यूसिबल है। ठीक है, और फर्दर फैक्टर ना बनाया जा सके किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इरिड्यूसिबल फॉर्म। ठीक है, तो ये इसकी डायमेंशन भी है, फैक्टर्स भी है। ठीक है, बोलो, तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, व्हाट आर इट्स डायमेंशन। तो आंसर क्या होगा बेटा, x प्लस टू वन ऑफ द डायमेंशन एंड 2x प्लस 3 इज अदर डायमेंशन, यानी कि एक को आप लेंथ बोल सकते हो, x प्लस 2 को बोल दो या 2x प्लस 3 को, उससे कोई फर्क नहीं है, और दूसरी ब्रेथ को आप इन दोनों में से कोई एक वैल्यू लिख सकते हो। x प्लस 2 एंड 2x प्लस 3 आर द डायमेंशंस ऑफ दिस क्वेश्चन। एरिया तो पूछे तो ये है, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया होगा। तो ओलंपियाड की भी जो तैयारी कर रहे हैं हमारे पास, उन्होंने भी ये क्वेश्चन बार बार करना है, कहीं पे भी समय नहीं आता, इस रिकॉर्डिंग को आप बार बार देखिए। थैंक यू वेरी मच, और ऐसे डाउट आप भेजते रहिए। बाय बाय।